नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और झांसी की खबर पहले आपको बताते हैं, जहां पर दबंगों ने एकजुट होकर एक व्यक्ति की जमकर पिटाई की है। मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पुलिया नंबर 9 का है, जहां मामूली विवाद में दबंगों ने युवक को दुकान में ही ले जाकर लात घूंसे से जमकर मारपीट की। जिस समय दबंग युवक को पीट रहे थे, उस समय मौके पर ही मौजूद किसी ने भी दबंग का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटाई। झांसी के गरोठा पुलिस कस्बा इंचार्ज की बता दें कि निष्क्रियता के कारण चोरों ने आज एक घर को निशाना बनाया है और पहले में भी कई घरों को चोरों ने अंजाम दिया है, मगर आज बता दें कि मोहल्ले वालों ने चोरों को धर दबोचा और इस दौरान पुलिस के हवाले कर दिया है। गरोठा झांसी कस्बा के मोहल्ला द्वारकानपुरी में चोरी की नियत से घुसे तीन चोरों को मोहल्ले वासियों ने पकड़ लिया। अगर मोहल्ले वाले सक्रिय ना होते तो चोर मोहल्ले में कोई बड़ी घटना को अंजाम देता। इसके पहले भी चोरों द्वारा कस्बा में कई मोहल्लों में चोरियों को अंजाम दिया गया है। साथ ही कस्बा में लगी सोलर लाइट की बैटरी भी चोर ले गए थे, लेकिन इन चोरी की घटनाओं का खुलासा आज तब हुआ जब कोतवाली पुलिस को लोगों ने फोन किया और इस दौरान इस मामले की जानकारी दी। बता दें कि चोरों के पास से हथियार और चोरी करने वाले औजार बरामद किए गए हैं, साथ ही मोटरसाइकिल कार की चाबी भी बरामद की गई है। और बता दें कि यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए चोर घुसे थे, लेकिन मोहल्ले वालों ने उस चोर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहनता से जाँच पड़ताल करने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अब्दुल नासिर बता दें कि मंसूरी के छोटे बेटे अब्दुल खालिद मंसूरी उर्फ विकी ललितपुर के पहले मुस्लिम सीए बने और साथ ही वही बात बुंदेलखंड की जाए तो बुंदेलखंड में तीसरे मुस्लिम सीए बनने का गौरव प्राप्त हुआ। जैसे ही यह सूचना उनके समर्थकों और उनके रिश्तेदारों को मिली तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा और लोग उन्हें बधाई देने के लिए उनके घर पर आ पहुंचे। इस दौरान बता दें कि हार पहनाकर मिठाई खिलाकर सीए बनने की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए लोग दिखे। सोशल मीडिया पर भी उनको बधाइयों का तांता लगा हुआ नजर आया है। वहीं खलीम मंसूरी की बात की जाए तो उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा ललितपुर से ही शुरू की थी और सीए की तैयारी के लिए वे इंदौर चले गए थे, जहां पर उन्होंने सीए के संपूर्ण तैयारी की और उसके बाद परीक्षण के बाद दिल्ली इंदौर और ललितपुर में परीक्षण पूरा किया। आखिरकार कठिन परिश्रम के बाद खलीक मंसूरी ललितपुर के पहले मुस्लिम सीए बन गए हैं और खलीक के साथ बता दें कि उनकी परिवार के भी मेहनत रंग लाती हुई नजर आई है। सभी में एक अलग खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों पुलिस हिरासत में मौतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ताजा मामला रामनगरी अयोध्या का है, जहां पर पुलिस ने ई रिक्शा चालक मोहम्मद कफील की संदिग्ध मौत हो गई और जिसको समाजवादी पार्टी का मुद्दा बनाया। मृतक मोहम्मद कफील की पत्नी गुड़िया और दोनों बच्चों को लेकर सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही बता दें कि इस दौरान पूर्व मंत्री पवन पांडे ने पुलिस पर आरोप लगाया है और कहा है कि पुलिस कस्टडी मोहम्मद कफील की मौत हुई है। साथ ही कहा है कि दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो और कोतवाली नगर में इसको लेकर तहरीर दी गई है। साथ ही कहा गया है कि परिजनों को मिले 50 लाख रुपए की मुआवजे की बात करते हुए नजर आए हैं। मृतक कफील की पत्नी ने भी साहेबगंज पुलिस चौकी में पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया है और कहा है कि पुलिस उनके पति को उठाकर ले गई। साथ ही कोतवाली नगर के शादे पन्ने पर उन्हें अंगूठा लगवाया गया। एमएलसी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर में कैंट थाना स्थित कैंप कार्यालय बनाया है और उसका उद्घाटन पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप
शुक्ला ने किया है। इस दौरान बीजेपी के एमएलसी क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह और जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता बीजेपी के बता दें कि एमएसपी प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह और साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। वहीं बता दें कि क्षेत्रीय अध्यक्ष और एमएसपी धर्मेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर अयोध्या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और अपने विधान परिषद के सदस्य के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह को बनाया है और आज हम सब ने ए और बी फॉर्म दाखिल किया है। हमारे पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला के नेतृत्व में हमारे जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह और प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मिलकर हम लोगों ने एक कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया। कैंप कार्यालय का उद्घाटन करके हम लोगों ने आज गोरखपुर जिला और गोरखपुर महानगर इस सभी मतदाताओं की सूची को यहाँ रख दिया है। इस उद्घाटन में हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जो है डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी भी थे, प्रत्याशी हमारे देवेंद्र सिंह जी भी हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता, ये सभी लोग यहाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी समय समय पर आकर के यहाँ पर अपनी सूची को जानकारी करेंगे। कचहरी के सामने होने के नाते जो भी यहाँ आ जाएगा उसको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि उसका केंद्र कहाँ है, जहाँ उसको जा कर के मत देना है। हम भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर अयोध्या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में अपने विधान परिषद के सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह जी को प्रत्याशी बनाया है और आज हम सब ने ए बी फार्म भी दाखिल किया है। यहाँ हमारे पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी के नेतृत्व में हमारे जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और हमारे प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह जी के साथ हम लोगों ने यहाँ इस कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया है। यहाँ पर गोरखपुर जिले और गोरखपुर महानगर यानी पूरे जिले में जो मतदाता सूची है यहाँ रख करके यहाँ से पूरे जिले का संचालन यहाँ से किया जाएगा। वैसे अलग अलग जगहों पर श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी का आवास भी और भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय कार्यालय भी पूरे इस 17 जनपदों में पूरे चुनाव के संचालन की दृष्टि से कार्यालय होंगे। और उन्नाव में भीषण ठंड में भूख प्यास से दर्जनों गौवंश मर गए हैं। बता दें कि वहीं पर मृत और जिंदा गौवंशों को गौशाला में कुत्ते उनको नोचते दिखे हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिली है, जहां बता दें कि योगी के गौवंश गौशाला में ही मर गए हैं। वहीं मीडिया का कैमरा गौशाला पहुंचते ही आनन फानन में मृत गौवंशों को गौशाला कर्मचारी दफनाते हुए जुटे हैं। और साथ ही बता दें कि मामले को लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने गौशाला पहुंचकर घेराव किया है और कार्रवाई की मांग की है। गौशाला में गौवंशों की मौत को लेकर ग्रामीणों ने कोतवाली में लिखित तहरीर दी है। मथुरा के डीएम पुलकित खरे ने सड़क मार्गों और गौशालाओं का निरीक्षण किया है। साथ ही पर्यटक विभाग से गांव पारसोली में बनाई गई बिल्डिंग का भी जायजा लिया और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। उन्होंने 31 मार्च तक पूरा निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि यदि कार्य नहीं होता है तो कार्रवाई होगी। कई समय से इसका निर्माण हो रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है, उसका आज निरीक्षण करा गया। उसमें सामग्री किस तरीके की लग रही है उसकी सैम्पलिंग भी कराई जा रही है। साथ ही साथ ये देखा गया कि अभी काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, तो वहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं उनको टीम बढ़ाने के लिए बोला गया है। हर हाल में 31 मार्च तक काम ख़त्म करने के लिए भी बोला गया है। डिवाइडर भी अभी कुछ ही स्थानों पर लगा है, पूरी तरह से डिवाइडर भी नहीं बना है। चौड़ाई पर भी काम अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। उनके जितने भी संबंधित इंजीनियर्स थे उनको निर्देशित करा गया है कि इसको 31 मार्च तक कर लें, जिससे आवागमन बेहतर हो सके। सर, अब ये डिवाइडर सड़क मार्ग में लगे हुए हैं, उसकी वजह से अब काफ़ी दुर्घटना होती रहती है, जो अधूरे पड़े हैं जी। इसीलिए मैंने जो आज पूरे मार्ग को देखा और ये लगभग 25 किलोमीटर के ऊपर का मार्ग है ये, जिसमें अभी सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर के बीच में ही डिवाइडर पड़े हैं, वो भी अधूरे हैं। बता दें कि डीएम पुलकित खरे ने
निरीक्षण किया है। इस दौरान डीएम ने गौशाला का और साथ ही सड़क मार्गों का निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। पर्यटक विभाग से गांव पारसौली में बनाई गई बिल्डिंग का भी उन्होंने जायजा लिया है। साथ ही अधिकारियों को फटकार भी उन्होंने लगाया है। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से डीएम निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम बारीकियों पर अपनी नजर बनाए हुए नजर आए हैं। 31 मार्च तक पूरा निर्माण कराने के निर्देश देते हुए नजर आए हैं वे। और साथ ही बता दें कि उन्होंने फटकार लगाते हुए ये भी कहा है कि कार्य नहीं हो उन्होंने ये कहा है कि कार्य अगर नहीं होगा तो कार्रवाई जरूर होगी। इसलिए उन्होंने खुद जाकर गौशाला का निरीक्षण किया है। आप देखिए किस तरीके से बारीकी से वे जांच करते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान एक डीएम का सख्त एक्शन देखने को मिला है। कासगंज में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सरकार गौवंशों की रक्षा के लिए तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन सर्दी के मौसम में गौवंशों की रक्षा कासगंज की गौशाला में नहीं हो पा रही है, जिससे लगातार गौशालाओं में मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि कासगंज में कुल 7 गौशालाएँ हैं, जिसमें 5 गौशाला स्थायी रूप से है, 2 गौशाला अस्थायी रूप से संचालित की जा रही है। गौशालाओं में 4 पानी के अलावा सर्द मौसम से बचाव के लिए उचित व्यवस्था न होने के चलते गौवंशों की मौत के आंकड़ों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। इस दौरान बजरंग दल के नेता बता दें कि राज महेड़े ने सोरो गौशाला के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि गौशाला में चारा पानी और सर्दी के बचाव के इंतजाम नहीं देखने को मिले हैं, साथ ही डॉक्टर द्वारा भी देखभाल नहीं की जा रही है, जिसके चलते 6 गौवंशों की मौत हो चुकी है। पड़े गौवंशों को अंतिम संस्कार भी नहीं कराया गया है। उनके द्वारा गौवंशों को कुत्तों से नोचकर खाते हुए देखा गया है। बता दें कि उन्होंने शासन और प्रशासन को जमकर घेरा है और सुविधा की बात को लेकर और सुविधा मुहैया कराने को लेकर उन्होंने जमकर प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। अच्छा, क्या है पूरा मामला? आप सो रहे ये गौशाला पे हैं, गाय मरी पड़ी हुई है, क्या है पूरा मामला? मैं आज गौशाला में आया हूँ और गौशाला में सफाई की व्यवस्था नहीं है, ना ही गांव गैयाओं के लिए जो है तिरपाल की व्यवस्था है। और मैंने देखा तो 4-5 गाय मरी हुई पड़ी है। अच्छा, वहाँ पर कुत्ता उनकी कुत्ता और जो है कौआ वगैरह उनकी आंख वगैरह नोच नोच कर खा रही है। ना तो नगर पालिका का कोई भी कैसा भी उस पर ध्यान है और ना कोई भी किसी भी तरीके के डॉक्टरों की लापरवाही है, जो कि गाय मर रही है और गांव पर बिल्कुल ही कोई भी कैसी भी सेफ्टी नहीं है किसी प्रकार की। अच्छा, कितनी गाय ऐसी आपके लिए दिखी यहाँ पर? यहाँ पर लगभग 6 गाय की लगभग है जो मरी हुई पड़ी है। मैं आ रहा था, रास्ते में भी एक गाय पड़ी थी, वो गौशाला की गाय थी क्योंकि वो बराबर में पड़ी हुई है। अच्छा, रास्ते में भी मरी हुई पड़ी है। बस्ती जिले के सुजावलपुर गांव के पास नहर में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान प्रतापगढ़ जिले के राकेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी है। शव को कब्से में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के शरीर पर कई जगह पर चोट के निशान पाए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के लिए नहर में फेंका गया है। आपको बता दें कि गांव में शिवान में खेत में किनारे नहर में युवक का शव ग्रामीणों ने देखा। शव मिलने की सूचना पर हड़कंप समझ गया। वहीं शव को आसपास के लोग पहचान नहीं पाए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बता दी कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही इस दौरान पुलिस ने मृतक के परिजनों को भी इस मामले को लेकर सूचित कर दिया है। युवा दिवस पर आज उन्नाव में सैकड़ों बता दें कि एनसीसी कैंडिडेट के युवाओं ने यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया है। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों को सैकड़ों बच्चे सड़कों पर उतरकर गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया है। यातायात जागरूकता को लेकर ट्रैफिक पुलिस और अपर पुलिस अधीक्षक ने भी सराहना की है।
और उन्नाव की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर जागरूकता अभियान चलाया गया है और ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है यहां पर। और साथ ही बता दें कि युवा दिवस के मौके पर उन्नाव की सड़कों पर एनसीसी कैंडिडेट के युवाओं ने यातायात नियम को लेकर जागरूक किया है। आप तस्वीरें देखिए, साथ ही ट्रैफिक नियमों की धज्जियाँ उड़ाने वाले लोगों को यहाँ पर गुलाब देकर सम्मानित किया गया और साथ ही उन्हें जागरूक भी किया गया। बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक ने इस जागरूकता अभियान की काफी सराहना की है। अलीगढ़ में बड़ाई मोहल्ले का तमंचे के साथ नाचते हुए युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कई युवक शराब पीकर तमंचे हाथ में लेकर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से तस्वीरों में ये वीडियो किस तरीके से लोग तमंचा लेकर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। ना उनको प्रशासन का डर है, ना किसी तरीके का कोई खौफ है। वीडियो में कई युवकों के हाथ में अवैध हथियार का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अवैध तमंचे के साथ युवकों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। और अलीगढ़ की ये तस्वीर है, जहाँ पर बता दें कि तमंचे लेकर शराब पीकर ये युवक जो है डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। और साथ ही बता दें कि देखिए इन वीडियो में देखिए किस तरीके से इनको ना प्रशासन का डर है, ना किसी तरह का कोई भय है। ये लगातार तमंचे लेकर वीडियो बनाते हुए और शराब पीकर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया है। तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकरा गई है। जोरदार टक्कर से ट्रक में भीषण आग लग गई। वही ड्राइवर और साथ ही क्लीनर की जिंदा जलकर मौत हो गई है। दोनों के शव को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर यूपीडा और साथ ही भारी पुलिस बल तैनात दिखे हैं। आगरा में विश्वविद्यालय के ललित कला संस्था में प्रदर्शनी का अवलोकन हुआ है। ब्रिज फिल्म बताया गया कि फेस्टिवल के अवसर पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया है। साथ ही इसमें समाज को अच्छा संदेश देने वाले शॉर्ट फिल्म को पुरस्कृत किया गया। वहीं आगरा के डीएम ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। साथ ही प्रदर्शनी देख रहे डीएम ने छात्रों की तारीफ की है। बता दें कि ब्रिज फिल्म जो है फेस्टिवल में मथुरा के सांसद हेमा मालिनी शिरकत करेंगी। ब्रज फिल्म फेस्टिवल के अवसर पर प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और अभी आज पूरा दिन जो विभिन्न मीनिंगफुल मैसेजेस के ऊपर शॉर्ट फिल्म्स इत्यादि बनाई गई हैं, उनके जो पुरस्कार विजेता हैं उन्हें भी शुभकामनाएं दी जाएंगी। ये एक बड़ा अच्छा आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसके माध्यम से न केवल युवाओं के जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उनको एक प्रोत्साहन मिला है, बल्कि एक मीनिंगफुल मैसेजेस जो हैं शॉर्ट फिल्म के माध्यम से हम समाज में भी दे पा रहे हैं। तो इस तरीके के आयोजन और होते रहें, इसके लिए आज मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो हमारे विभिन्न युवा हैं, लगभग 12 जिलों से सभी की प्रतिभाएं आज सामने आई हैं, उन सभी को भी एक उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। रायबरेली में गौवंशों के बेतहाशा बता दें कि जंगल में पड़े हुए बता दें शव बरामद किए गए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। शासन प्रशासन में भगदड़ मच गई इस वीडियो के वायरल होते ही। वही वायरल वीडियो में सिंघौना तारा स्थित गौशाला के पास जंगल का बताया जा रहा है, जिसकी सूचना पर तत्काल पहुंचे SDM लालगंज अजीत प्रताप सिंह और तहसीलदार स्थानीय पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की गंभीरता से जांच की गई है। पाँच से छः गौवंशों के हताहत होने की पुष्टि है, जिसके बाद से गौशाला संचालक और ग्राम विकास अधिकारी सहित पशु चिकित्सा अधिकारी सिंघौर तारा में FIR दर्ज कराई गई है। वहीं हिंदू युवा वाहिनी बजरंग दल के प्रांतीय अध्यक्ष गोपाल कृष्ण त्रिपाठी संगठन के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और गौशाला के व्याप्त अवस्थाओं को चलते गौशाला के अंदर मृत और बीमार पड़े कई गौवंशों को देख दंग रह गए। और साथ ही गौशाला की दरियादिली हकीकत जानने और वीडियो वायरल होने स्थान पर पहुंचे तो वहां हकीकत खुद ब खुद सामने आ गई, जहां पर सैकड़ों गौवंशों को रातों रात गड्ढा खोदकर गड़वा दिया जाता है,
फिर भी कुछ गौवंशों के अवशेष मिट्टी तले दबे दिखे हैं, जो वीडियो में काफी वायरल हो रहा है। यूपी के पीलीभीत जनपद के मुखबिर की सूचना पर गश्त के दौरान पीलीभीत के थाना जहानाबाद पुलिस ने चार पहिया वाहन में देसी शराब का जखीरा और सबल सहित दो आरोपियों को अवैध असलहों के साथ जहानाबाद कस्बे से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने पूर्व में ही की गई चोरियों को स्वीकार किया है। और ये पीलीभीत की तस्वीर, जहां पर बता दें कि शराब के जखीरे के साथ अवैध हथियार बरामद किया गया है। दो युवकों को इस दौरान अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। और ये बता दें कि इस दौरान यूपी के पीलीभीत जनपद में मुखबिर की सूचना पर गश्त के दौरान पीलीभीत की थाना जहानाबाद पुलिस ने चार पहिया वाहन में देसी शराब का जखीरा और सबल सहित दो आरोपियों को अवैध असलहों के साथ जहानाबाद कस्बे में गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। दोनों आरोपियों पर पूर्व में ही कई चोरियों को स्वीकार करते हुए नजर आए हैं। और साथ ही बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है पीलीभीत में, जहां पर बता दें शराब का जखीरा और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। और इन दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार।